Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. एपिक खोज के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कैसे विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता में से एक सिंधी समाज वजूद में आया और कैसे इनसे सनातन धर्म का जन्म हुआ जो हिंदू धर्म का आधार है। एपिक खोज के सिंधी कम्युनिटी के इस दूसरे एपिसोड में जानेंगे कि अलग अलग कल्चर, रिलीजन और राजाओं के आने से सिंधी समाज पे क्या असर हुआ। 300 से ज्यादा सालों तक अरब रूलर्स के राज करने के बाद 500 सालों तक सिंधी समाज पे लोकल सिंधी कन्वर्टेड मुस्लिम्स सुमरा डायनेस्टी 1026 से 1440 एडी और सामा डायनेस्टी 1351 से 1524 एडी का राज रहा। उस एरा को सिंध और सिंधी समाज की शांति और तरक्की का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। इस वक्त तक फारसी जुबान ने अरबी जुबान की जगह ले ली, जिससे सूफी नजरिए और ऊंचे दर्जे की शायरी की शुरुआत हुई। वक्त के साथ सिंधी समाज ने अपनी पुरानी सैंधवी स्क्रिप्ट को छोड़ दिया और बहुत से फारसी शब्दों के साथ अरेबिक स्क्रिप्ट को अपनाया। इससे सिंधियों को एक अलग पहचान मिली। 1759 में दुनिया में पहली बार पवित्र कुरान को सिंधी जुबान में ट्रांसलेट किया गया। 10th सेंचुरी में मकरब खान के इस्लामिक राज के दौरान बड़े पैमाने पर हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन हो रहा था। कहा जाता है कि हिंदू सिंधियों ने 40 दिन के उपवास और पूजा पाठ के बाद सिंधु नदी के किनारे प्रार्थना की, जिसके बाद आकाशवाणी हुई कि नसरपुर सिंध में एक बच्चे का जन्म होगा जो उन्हें इन सब से बचाएगा। और ये सच हुआ कि 1007 में चैत्र के महीने में चेती चांद के दिन डिवाइन पावर्स के साथ एक लड़के का जन्म हुआ, जिसने दुनिया को भाईचारे का पाठ पढ़ाया और सिंधी हिंदुओं को धर्म परिवर्तन से बचाया। चेती चांद झूलेलाल की जयंती की निशानी है। झूलेलाल को भगवान वरुण या जल देवता का अवतार माना जाता है। फारसी सूफी शायरों और भक्ति कवि के मिलन से सिंधी सूफिज्म का जन्म हुआ। दिलचस्प बात है कि सिंधी हिंदू और सिंधी मुसलमान एक ही संत को मानते हैं, लेकिन अलग अलग नामों से। जैसे सिंधु नदी के सरपरस्त संत को मुस्लिम ख्वाजा खिज्र या शेख ताहिर और हिंदू दरिया शाह या उदेरो लाल के नाम से मानते हैं। सूफिज्म के असर से सिंधी लोगों के दिलों में मुस्लिम संतों और उनके मकबरों की बहुत इज्जत है। इनफैक्ट सिंध में थट्टा शहर के पास बने मकली कब्रिस्तान में 5 लाख से 10 लाख कब्रें और मकबरे हैं, जो एक वक्त में उस इलाके के घरों की गिनती से भी ज्यादा थे। 1981 में इस जगह को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया। अंग्रेजों के राज में प्रोग्रेसिव सोच रखने वाले सिंधियों ने अंग्रेजों के नए रूल्स और अंग्रेजी भाषा को सहजता से अपनाया, जिसकी वजह से उन्हें बिजनेस और नौकरी में बहुत फायदा हुआ। सिंधी लोग मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ एक्सपोर्ट भी करने लगे। एक वक्त वो भी आया जब आबादी में केवल 23% होने के बावजूद ये लोग सिंध की 42% जमीन पर मालिकाना हक रखते थे। ज्यादातर सिंधियों के सरनेम के अंत में आनी जुड़ा होता है, जैसे वासवानी, मखीजानी, नथानी आदि। स्टडीज से पता चलता है कि यानी संस्कृत का एक शब्द है जिसका मतलब होता है वंशज, जिसको सिंधी में आनी बोला गया। सिंधी आमतौर पर अपने परदादा के नाम के बाद आनी जोड़ते हैं और वो उनका सरनेम बन जाता है। सिंधी समाज के वजूद में आने के बाद वक्त बदला, राजा बदले, हालात बदले। सिंधियों ने बहुत उतार चढ़ाव देखा, यहां तक कि इंडिया के बंटवारे में सिंधियों को अपनी मातृभूमि को छोड़ने का दर्द भी झेलना पड़ा। लेकिन इस कम्युनिटी ने कभी हार नहीं मानी और हमेशा कामयाबी के साथ आगे बढ़ते रहे। क्या रिश्ता है पंडा समुदाय का गया और पिंडदान से? क्यों और कैसे हुई थी इनकी उत्पत्ति?
क्या महत्व है पिंडदान का और क्या होती है पंडा पोती। अगले एपिसोड में जानेंगे पंडा समुदाय के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एपिक खोज में।